ये जो बात है आपको, तो लिहाजा ये गलत फहमी में ना रहिए, जो बातें कही गई हैं वो बातें सिर्फ सब्र करने वालों को के लिए कही गई हैं। ये बातें उन लोगों के लिए कही गई हैं जिन्होंने विड्रॉल डाला है, जो कंपनी के साथ बने रह सकते हैं, जिन्होंने कंपनी को मुश्किल वक्त में साथ दिया है, उनके लिए ये बातें कही गई हैं, ना कि जिसने पैर पकड़ करके गैर इंसानी तरीके से दुश्मनों का आलायकार बन करके जिन्होंने आपा डॉक्टर नौहेरा शेख को सताया है, और जिसने 2 लाख लोगों इन्वेस्टर्स को के कुंबा को, 10 लाख लोगों को जिन्होंने परेशान किया है, उम्मत मोहम्मदिया उम्मत मुसलमा को जिन्होंने रोज़गार पाते देख करके जिनके पेट में जलन हुई, जिन्होंने बुरी तरीके से मुसलमानों को चोट पहुंचाया है, क्या उन लोगों के साथ हम खड़े होने जाएंगे? उनको कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आता। आप लोग ये गलत फहमी अपने मन से निकाल दीजिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ दोस्त दुश्मनों की गाली का जवाब गाली से दे रहे हैं, कुछ लोग नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं इसमें, कुछ लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं ऐसे में उन भाइयों को, चाहे वो बाबू साबिर खान हो चाहे वो दूसरे भाई हों, मैं ना उनको मना करने जाता हूँ ना ही उनको तसल्ली देने जाता हूँ, क्योंकि मेरी बहन को, मेरी आपा को, डॉक्टर नौहेरा शेख को, जिन्होंने इस बुरी तरह से जगह जगह घसीटा है और उनको गालियाँ दी हैं, उनको रुसवा किया है, उनके साथ बदतमीजी की है, उनको अगर उन्हीं के लैंग्वेज में जवाब दिया जाता है तो इसमें बुरा क्या है? तो मैं लिहाजा ऐसे लोगों को जो गाली दे रहे हैं, गाली का जवाब गाली से दे रहे हैं, ना मना करता हूँ। और कंपनी ये भी कहती है कि कंपनी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, जो कुछ वो कर रहे हैं अपनी मंशा और अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। लिहाजा ये सारी बातें थी भाइयों, गलत फहमी में ना आए आप लोग, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने के बावजूद ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि मेरी ये वीडियो आप लोगों की तसल्ली के लिए बेहतर साबित हो, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन सब मामलों को जल्द अज़ जल्द ख़त्म करे और तमाम इन्वेस्टर की अमन और सलामती के हक़ में फ़ैसला आए, बेहतर आए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया, दुश्मन ने बहुत लंबा जाल बिछाया है, बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने साजिश किया है, लिहाजा आप लोग उससे हर्ट होने की, उससे बेजार होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा। आप लोगों के साथ कंपनी है, कंपनी के साथ आप रहें, अच्छे वक्त गुजारे हैं आपने कंपनी के साथ, तो आज जब बुरा वक्त आया है तो उसमें भी आपको साथ रहने की ज़रूरत है। लिहाजा दुश्मनों के मकरो फरेब, उनके झूठ, उनकी चालों को कामयाब ना होने दें, उनकी बदज़न फैलाने वाली बातों के पीछे आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। आप लोग मुतमईन रहें, मुतमईन लोगों को रखने की कोशिश करें, और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुश्किल भरे हालात को जल्द अज़ जल्द ख़त्म करें। देखिए जो भी है मामला, मामला जो भी है, इसमें पॉलिटिकल साजिश हुई है। आपा डॉक्टर नौहेरा शेख ने लोगों की साजिशों को मंजर आम पर लाने की कोशिश की, तो उनके साथ ऐसा किया। जिसने भी किसी तरह की कोई कदम आगे बढ़ाया, आप भी अगर कदम आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले आपके घर से ही आपकी मुखालफत में आवाज़ उठेंगी। लिहाजा आपा डॉक्टर नौहेरा शेख ने जब लोगों की हस्ती को मिटा देना चाहा, गलतकारों को, जो कौम के दलाल बने हुए हैं, कौम के सौदाकार बने हुए हैं, उन लोगों की साजिशों को जब मंजरे आम पर लाना चाहा, तो उनको ये चीज़ हज़म तो हो नहीं सकती, लिहाजा उन लोगों ने ऐसा सब किया। और ऐसी चीज़ों का बहुत कम वक्त हुआ करता है, जब भी ऐसा हुआ है बहुत कम हुआ है, लिहाजा आप लोग मुतमईन रहें। इस सब में जो कुछ हो रहा है, मैं एक चीज़ को मद्देनज़र रखता हूँ कि कुरान पाक में ये चीज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से के तौर पर बहुत बेहतर दिखाया है। ठीक उसी तरह आपा डॉक्टर नौहेरा बगैर किसी खता और कसूर से, जैसे हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में कैद कराए गए थे अपने, लेकिन जब निकले तो बहुत दुरक्षा होकर के निकले, अजीज़ मिस्र बन कर के निकले। लिहाजा आप लोग उसी चीज़ को मद्देनज़र रखिए, आप लोग उस चीज़ का मुताला कीजिए। आपा डॉक्टर नौहेरा शेख के साथ ऐसे ही कुछ हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद इस बीच में भी वो एक बहुत बड़ा मैसेज निकल के सामने आ रहा है। एक ये कि आपा डॉक्टर नौहेरा शेख हिंदुस्तान में एक किंग मेकर बन करके सामने आ रही हैं। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, हिंदुस्तान का हर पॉलिटिकल फ़र्द आज आपा की बेगुनाही को तस्लीम करता है, उनकी मासूमियत को तस्लीम करता है, उनके खिलाफ होने वाली साजिशों को बहुत अच्छे तरीके से जानता और पहचानता है। लिहाजा दुश्मनों ने भी देख लिया कि आपा डॉक्टर नौहेरा शेख एक किंग मेकर हैं,
इंशाल्लाह जब वो आएंगी तो उनकी हस्ती मिट जाएगी, इसलिए उन्होंने ऐसा साजिश रचा। देखिए कहने को तो बातें बहुत हैं, बहुत सारी हकीकत है, लेकिन आप लोग भी अपनी समझदारी का सबूत दीजिए और इस बात की दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द हमारे बुरे हालात को अच्छे हालात में तब्दील करे। इस बात के लिए कोशिश भी हो रही है, वकील भी लगे हुए हैं माशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़्ल करम से, और दुश्मनों की साजिश जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द नाकाम हो जाएगी। आप लोग इत्मीनान रखें और खुश रहें। देखिए हालात आज हिंदुस्तान में जो हैं, हर किसी के साथ बेरोज़गारी का आलम है, हर किसी के साथ बेरोज़गारी की मार है। मेरे जितने दोस्त हैं 8-10-15 जितने की भी जोड़ लें, कोई मेरे अलावा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है कंपनी में, लेकिन वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। अब जब वो भी परेशान है तो उन्होंने जब इन्वेस्ट नहीं किया है तो वो किसको खतावार कसूरवार मानेंगे, कंपनी को तो नहीं मान सकते। लिहाजा आप लोग ये समझिए कि पूरे हिंदुस्तान पूरे मुल्क की हालत ख़राब है और उसी में से हम भी हैं पूरे हिंदुस्तानियों में से, लिहाजा चूँकि हमारे पैसे इन्वेस्ट हुए हैं इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी हालत जो ख़राब है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की वजह से है। हालांकि ऐसा नहीं है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ तो आपका मदावत था, आपकी पुरसान हाल थे, आपकी हालत दरियाफ्त करके आपके साथ खड़ा रहता था हीरा ग्रुप, लिहाजा वो लोग किसको इल्ज़ाम देने जाएं जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इन्वेस्टर ही नहीं है। लिहाजा हालत सबकी ख़राब है, बेरोज़गारी हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है। इन सब हकीकतों को भी सामने रखिए और अपनी समझ और अकल और समझ बूझ का इस्तेमाल करते हुए कंपनी के साथ खड़े रहिए। इंशाल्लाह उन्हीं के साथ बेहतर होने वाला है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ सब्र के साथ खड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से मुतालबा करता हूँ कि आप लोग दुश्मनों की साजिशों को कामयाब ना होने दें और बड़े पैमाने पर आप कंपनी के साथ खड़े होने का सबूत दें, उनके साथ रहने का सबूत दें और दुआ करते रहें, सब्र करते रहें और वो काम कीजिए जिसमें दूरअंदेशी हो। अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। किसी ने कहा कि नहीं अफवाह फैला दी तो आप परेशान हो जाएं, तो आपने अपनी अकल समझ बूझ को कहाँ इस्तेमाल किया। लिहाजा अपनी समझ बूझ का इस्तेमाल करते हुए आप दुश्मनों की चाल को कामयाब न होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।